यूजुअली मेरे हॉलीडेज ऐसे ही होते हैं, मैं घर पे रहती हूँ पूरा दिन. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभी उठी, अभी 8 बज रहे हैं. चलो बाहर जाते हैं, सन बहुत ब्राइट है. हम लोग से 4 लोग हैं और हम लोग के घर में ब्रश है 6. आपके घर में भी ऐसा ही होता है क्या? अभी लगाएंगे टीवी और फिर लगाएंगे गाने. मैंने टीवी चालू करने का ट्राई किया लेकिन टीवी चालू हुई नहीं. पता नहीं, नेट कनेक्ट नहीं हो रहा टीवी से, शायद पिन में कुछ गड़बड़ हो गई है. यूजुअली मैं ऐसा रैंडम कोई भी सॉन्ग सुन लेती हूँ और मेरी मम्मी घर पे रहती है तो फिर हम लोग मारवाड़ी गाने सुनते हैं. कौन सा गाना? अरे यार याद नहीं आ रहा है मुझे अभी. गाने का नाम चौधरी है लेकिन गाने का लिरिक्स कैसा है? अरे सुनो चौधरिया, तो राजस्थान में जब मैं जाती हूँ शादी में तो वहाँ पर बंदोली में जो लोग नाचते हैं ना चौधरी गाने पे, इट्स लिट. वॉशिंग मशीन तो है यहाँ पे हमारे कपड़े धोने के लिए लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं है, तो खाली उसमें कपड़े ऐसे गोल 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 घूमते रहते हैं. फिर उनको निकाल के, जैसे शर्ट हुआ तो उसके कॉलर पे ब्रश मारो, और अगर कोई नए कपड़े हुए तो उनसे उनको हाथ से धो. तो ये सब तो हमें खुद ही करना पड़ता है. निचोड़ने भी खुद पड़ते हैं, सुखाने भी खुद पड़ते हैं. तो मतलब ठीक है, लेकिन मेरी मम्मी को ये मशीन इतनी पसंद है ना, इतनी पसंद है कि मैं क्या बताऊँ. मतलब इट्स लाइक हर फोर्थ चाइल्ड, क्योंकि हम 3 भाई हैं तो चौथा बच्चा ये हुआ मम्मी का. मम्मी अगर आप देख रहे हो तो हंसना मत. और अब मैं जा रही हूँ झाड़ू मारने. लेट्स डू इट. हो गए, अब हम पोछा मारेंगे. और मैंने पोछे के लिए पानी रेडी कर लिया है. मेरा पानी रेडी है यहाँ पे, जिसके अंदर मैंने लाइजॉल और निर्मा डाला है. तो हम लोग के घर में सब कुछ उल्टा होता है, हम लोग पोछा हॉल से किचन की तरफ मारेंगे. हाँ, दैट्स हाउ इट वर्क्स इन माय होम, यू नो. ओ शिट, मैंने पानी भरने के लिए बाथरूम रखा था और भर गई है अभी वो बाल्टी, मुझे भाग के बंद करना पड़ेगा. आई एम बैक. हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि हम लोग हॉल से किचन की तरफ पोछा मारेंगे और ऐसे ही चलता है. इससे क्या होता है ना कि आपके बहुत सारे काम एक साथ में हो जाते हैं. जैसे कि मैं भी हॉल से ऐसे ऐसे मारते मारते मारते, रूम से ऐसे ऐसे मारते मारते, ये रूम में मार के ऐसा किचन में पहुँचूँगी. तो फिर किचन तक रुक जाऊँगी, फिर मैं कपड़े धोऊँगी. और फिर कपड़े धोते तो क्या है, बहुत सारा पानी वानी गिर जाता है ना किचन में. ऐसा वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालते हैं, फिर से रखते हैं, फिर वापस सुखाने के लिए अंदर डालते हैं, तो ऐसा गिर जाता है, पानी गिर जाता है, होता है. तो फिर वो अगर किचन से मार के हॉल की तरफ गए तो किचन फिर से गंदा हो जाएगा. तो इसलिए रिवर्स, सो दैट कपड़े धोने के बाद में किचन में ऐसा पोछा मार के वो पोछे को भी साथ में वहीं पे ऐसा बाथरूम में धो के सब कुछ, वॉशिंग मशीन का काम भी हो जाएगा, किचन भी साफ हो जाएगा और सब काम एक साथ में हो जाएंगे. राइट दिमाग, ये दिमाग मेरा नहीं है, ये दिमाग मेरी मम्मी का है. शी इज़ वेरी 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 स्मार्ट. सो लेट्स डू पोछा. अभी पोछा मार के हो गया है, मैंने मेरा टॉवल ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में कपड़े धोने के लिए. उससे पहले मैं यहाँ पे रख देती हूँ मेरा टॉवल, उससे पहले मैं पानी पी लेती हूँ. वाटर इज़ नेसेसरी, और मॉर्निंग में तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए. आई नो, ओके, मैं फूक रही, मुझे पता है, मैं बटाटे जैसी बन रही, मुझे पता है. तो मैं जल्दी ही वर्कआउट स्टार्ट करने वाली हूँ. एक्चुअली मेरा शेड्यूल बहुत बहुत बिजी था और मैं बहुत ज़्यादा कम्यूट कर रही थी ऑफिस के लिए, अभी भी कर रही हूँ एक्चुअली. तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है वर्कआउट के लिए. इनफैक्ट घर का काम करने के लिए मुझे सिर्फ वीकेंड पे टाइम मिलता है. तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वीकेंड पे घर का काम करूँ, सो दैट मैं थोड़ा इधर उधर मूव हो. ये क्या होता है? तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एटलीस्ट वीकेंड पे तो घर का काम करूँ. और पहले मैं पानी पी लूँगा, प्लीज़, थैंक्स. हाथ धो लिए थे पोछा मारने के बाद,
so my hands are clean because I don't like my dirty hands. जो मैंने ऑफिस वाला वीडियो बनाया था, अगर आपने वो देखा नहीं, अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक्चुअली वो मेरा लास्ट डे था. तो उसमें मैं जब ऑफिस पहुंचती तो सबसे पहले वॉशरूम जाके मेरे हाथ धोती हूँ, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक माई हैंड्स डर्टी. क्योंकि ट्रेन में ना क्या होता है, हम लोग ऐसे पकड़ते हैं, रिक्शे में पकड़ते हैं, मतलब हमें ज़्यादा कम्यूट भी करती थी, मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग था. तो फिर पता नहीं कैसे कैसे लोग उन सब चीज़ों को हाथ लगाते, तो मुझे मेरे हाथ ऐसे गंदे अच्छे नहीं लगते. सो अभी मैं कपड़े धोऊंगी, नहाऊंगी और उसके बाद आपको मिलूंगी. फालतू का टाइम पास नहीं करने का. तो मैंने कपड़े धो लिए हैं और मैं नहा भी ली हूँ, मैंने मेरे बाल भी धो लिए. मेरे बालों में इतना धूल जम गया था ना. एक्चुअली मैं जहाँ से मैं जाती हूँ तो वहाँ पर रोड पे इतने खड्डे हैं और अब उन खड्डों में से धूल निकल रहा है, पत्थर निकल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है. तो इतना धूल उड़ता है ना यार, ऐसा लगता है वो धूल का तूफान आता है ना वैसा. अभी बज रहे 12 और अभी मैं करने वाली हूँ मेरा लंच. तो लंच में है रोटी और कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी. अरे सबसे ज़्यादा फनी तो वो था, मेरे ऑफिस वाला वीडियो अपलोड किया था उसमें, जहाँ पे मैं इंटर्नशिप करती थी वहाँ पे फ्री में खाना था. तो मैंने वो दिखाया था, मतलब हाँ फ्री में खाना है और मैं खा रही हूँ, लंच कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, स्नैक्स कर रही हूँ. कितने लोगों ने क्या कमेंट किया कि कितना खाती है ये वो. क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स खाए थे और मिसल पाव खाया था, तो मिसल पाव में सिर्फ एक पाव के साथ में मैंने खाया था और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था. तो मैं डायरेक्टली ऑफिस जाके मैंने ब्रेकफास्ट किया था और उसके बाद फिर लंच में मैंने लिटरली एग रोटी खाई थी और सब्ज़ी और इतना सा राइस था, इतना सा, और शाही टुकड़ा था. मैंने कभी नहीं खाया था 6 महीने की इंटर्नशिप में, मैंने कभी नहीं खाया था. तो उस दिन मैंने सोचा मैं खा लेती हूँ, मैंने वीडियो में बोला भी कि मतलब लास्ट दिन था करके मैंने ट्राई किया था. मुझे पता नहीं कभी खाने की इच्छा नहीं हुई, तो उस दिन मैंने खा लिया कि चलो खा लेते आज. और वो भी लाइक लिटरली वो शाही टुकड़ा भी इतनू सा. हाँ और फिर शाम को मैंने सिर्फ ब्रेड खाया था, दैट्स ऑल. तो मैंने 12 बजे लंच कर लिया था पर अभी बज रहे 2, तो मैंने 2 घंटे टाइम पास किया फुल. कुछ नहीं करी थी मैं, ऐसे ही सॉन्ग्स वगैरह सुन रही थी. और मुझे अभी आ रही है बहुत ज़्यादा नींद. छुट्टी के दिन मेरा फिक्स है कि दोपहर को सोना है, मतलब सोना है. अगर मैं दोपहर को ऐसा नहीं सोई ना तो पता नहीं ऐसा बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है नींद पूरी नहीं हो रही है और ऐसा सब, आई डोंट नो. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो समथिंग अबाउट माई सेल्फ देन कमेंट डाउन बिलो, आई विल अपलोड वीडियोज़ लाइक दिस, लाइक जस्ट रैंडम स्टफ. हाँ तो अभी ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ. एक्चुअली मेरा ऑफिस है एरोली में और मैं रहती हूँ वसई में, तो मुझे जाने के लिए 2.5 घंटा लगता है ऑफिस और आने के लिए वापस 2.5 घंटा, बेसिकली एक दिन का 5 घंटा. अगर बस टाइम पे ना मिले या फिर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिल जाए, कभी कभी वो 2.5 का 3 घंटा भी हो जाता है इन अ सिंगल जर्नी, लाइक जस्ट यहाँ से वहाँ पे जाने के लिए या फिर वहाँ से यहाँ पे आने के लिए. तो भाई जो हालत ख़राब होती है ना, फिर पता नहीं मतलब दिमाग में भी ना ऐसा घूमता रहता है कि मतलब अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब इतने बजे ट्रेनिंग है. अभी तो मेरा ट्रेनिंग चल रहा है तो मतलब कि इतने बजे ट्रेनिंग है, इतने बजे पहुंचना है, फिर इतने बजे निकलना है, अरे फटाफट निकलो ये ट्रेन मिस हो जाएगी, फटाफट निकलो बस नहीं मिलेगी, अब फटाफट निकलो ट्रैफिक रहेगी, ब्ला ब्ला ब्ला. तो मतलब वो कंटिन्यूसली मेरा माइंड ना ऐसा एक्टिव रहता है और फिर ऐसा बार बार सोचता रहता है निकलना है. इतना हरी में रहता है ना कि बोला हाँ ये करना है, वो करना है. तो फिर ऐसा दिमाग को रेस्ट नहीं मिलता. और फिर जब मैं घर पे आती हूँ तो घर पे आने के बाद फिर क्या होता है कि मैं आती हूँ, मैं पहुँचती रात को 10:15 बजे हूँ. फिर अब इतनी रात हो गई तो फिर डिनर कर लेती हूँ फटाफट हाथ पैर धो के. और फिर डिनर करने के बाद कुछ बचता नहीं है, मतलब इतना कुछ नहीं बचता. तो फिर मैं बस सो जाती हूँ फिर तुरंत, क्योंकि मैं इतनी थक भी जाती हूँ. और फिर वापस सुबह उठो, फिर वापस भागो, वापस बस पकड़ो, वापस ट्रेन पकड़ो, वापस ऑफिस जाओ. तो फिर बीच में मैंने सोचा कि ठीक है मतलब अब मैं शिफ्ट हो जाती हूँ एरोली, ठीक है. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अगर आपको ये स्टोरी जाननी है तो मुझे बताओ, मैं अभी ये वीडियो में नहीं बताऊँगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो. तो बेसिकली मैं शिफ्ट हुई थी पर मैं फिर से यहाँ पे आ गई और मैं फिर से शिफ्ट होने का सोच रही हूँ. अभी बज रहे 2:15, तो मैं अभी सोने का सोच रही हूँ. एक्चुअली मैंने अभी तक मेरे रूम की चादर बिछाई नहीं, एक्चुअली वो सूख रही थी. मम्मी बोल के गई है बेटा
कपड़े ले लेना सूखे सूखे और रख देना अंदर. और मैंने अभी तक कपड़े नहीं लिए और अब मैं कपड़े लूँगी, कपड़े फोल्ड करके रखूँगी, चादर बिछाऊँगी, ऑफिस सो जाऊँगी. ये रही मेरी चादर जो सूख रही है और बाकी के कपड़े भी यहाँ पे सूख रहे हैं. अभी कपड़े ले लिए हैं और जाते हैं अंदर. अभी तो ये है सारे कपड़े जो मैंने धोए थे, अब इनको मैं रखने जा रही हूँ. गुड इवनिंग एवरीवन. तो अभी हो रहे हैं 6:15 और मैं उठ गई थी 5:30 को. तो यूजुअली मेरे हॉलीडेज ऐसे ही होते हैं, मैं घर पे रहती हूँ पूरा दिन. मैं अभी तक मेरे फ़ोन में शूट करती हूँ. ये मेरा फ़ोन है Oneplus 6T, तो मैं इसी में शूट करती हूँ और इसी में एडिट करती हूँ. मैंने सारे वीडियोस इसी में एडिट करके डाले हैं. और अगर किसी को जानना है कि मैं किस में एडिट कर रही हूँ, तो मैं एडिट करती हूँ Adobe प्रीमियर रश में. एक्चुअली ना लैपटॉप में बस 2 है, बट मैं लैपटॉप में एडिट नहीं कर रही. उसके पीछे का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है. मैं सोच रही हूँ मैं नवंबर में कैमरा लूँ, क्योंकि मोबाइल से शूट करना इट्स नॉट एन ईजी टास्क. अपार्ट फ्रॉम दैट अभी शाम हो चुकी है. एंड वन लास्ट थिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब करने के लिए. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ डालूंगी.